किसी राजद का, कोई तेजस्वी का, कोई लालू यादव का वो प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी जो है यादव का वोट को जो है संगठित करना चाहता है तो भागलपुर लोकसभा में डॉक्टर साहब को जो है टिकट देना होगा। और डॉक्टर साहब जो है भागलपुर के लालू यादव है। भारतीय जनता पार्टी में टर्नअप कराने की क्षमता एक ही भागलपुर में यादव है, जो डॉक्टर एन के यादव है। 60% से 65% जाएगा, सेमी फाइनल ये है, नहीं जो फाइनल अभी बाकी है, और इनके पहले भी वनडे खेल चुके हैं हम लोग है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं संपूर्ण भारत और बिहार वासियों से कि लालू यादव और उसके बेटे ने यादवों के लिए क्या किया। अब ये बात खत्म हो गया, जनमानस की मैं बात करता हूँ, और मैं वर्कर हूँ इसलिए बड़े नेता से ज्यादा जानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाजपा एक अच्छा पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे सुजोग व्यक्ति हैं, और 10 साल से आप तमाम व्यक्तियों ने देखा ये किस धारा में लेकर जा रहा है, इंडिया को कहां ले जा रहा है। नहीं जी, तो अच्छे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए ना। डॉक्टर एन के यादव जी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के प्रबल दावेदार है। सीधा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है और 2024 का प्रबल दावेदार है डॉक्टर एन के यादव। मैंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी दी है, और अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है तो जो पार्टी का वोट है उसके अलावे भी बहुत वोट है जो मेरे साथ जुड़ सकता है, खास करके यादवों का वोट, यादव समुदाय का जो वोट है वो मेरे नाम पर आज के तारीख में 100% है। बिहार में ठंड के बावजूद इन दिनों सियासी पारा लगातार गर्म होता दिख रहा है, कहीं पर पोस्टर वार चल रहा है तो कहीं उसको लेकर के दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर में MLC भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर NK यादव के यहाँ, जहाँ दही चूड़ा का भोज चल रहा है। ये सियासी गोटी कुछ इस तरह से बिछाई जा रही है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें टिकट की भी एक बड़ी दावेदारी है, और उसको लेकर के यहाँ जो दही चूड़ा के भोज में देखते बड़ी भीड़ है और कई सारे समर्थक जो हैं वो आए हुए हैं। आइए सीधे उन समर्थकों के पास चलते हैं, आखिर दही चूड़ा भोज के मायने क्या है, क्या मायने निकाले जाए दही चूड़ा भोज के। दही चूड़ा का मायने का भोज यही है, आगे तो 2024 लोकसभा का चुनाव है, और डॉक्टर साहब से इस लोकसभा नहीं 14 जिला का MLC साहब हैं ये, इससे प्रेम जनता को इतना हो गया है कि प्रेम के चलते सालाना अपना दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं, और कोई पब्लिक का दबाव नहीं। आप कीजिए, डॉक्टर साहब अपने प्रेम से, प्रेम भाव से जनता के बीच आते हैं और दही चूड़ा खिलाते हैं, और इसमें जो आप लोग समझिए। नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष इस्माइलपुर कमलाकुंड पंचायत भागलपुर जिला से लोकसभा क्षेत्र से। सुबोध यादव जी थे, ये कुछ और लोग हैं उनके समर्थक मौजूद, बताइए क्या है दही चूड़ा के भोज में इस बार। सबसे पहले तो मैं इस अंग की धरती से ये बताना चाह रहा हूँ कि माननीय MLC डॉक्टर NK यादव विगत 10 वर्षों से दही चूड़ा भोज का आयोजन करते आ रहे हैं। इस बार 2024 का चुनाव जो है इनको देखते हुए वृहत पैमाने पर 60 से 70 हजार लोगों का व्यवस्था किया गया है, और डॉक्टर NK यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, जनमानस में उनकी एक छाप है। क्या 24 नजदीक आ रहा है, क्या करना, साफ साफ बताइए दर्शकों को। डॉक्टर NK यादव जी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं। लोकसभा के प्रबल दावेदार, देखिए ये साफ कहना बातें समान निकल कर आ रही है, आप बताइए क्या है दही चूड़ा के भोज में। भोज में क्या है, बस सीधा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है और 2024 का प्रबल दावेदार है डॉक्टर NK यादव। नाम बताइए अपना। नाम संजीव यादव। संजीव यादव, देखिए कुल मिला के जो लोग अभी तक जिनसे मेरी बात हुई है वो तमाम लोग अभी यादव कम्युनिटी से ही है, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर NK यादव जो MLC हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भागलपुर लोकसभा के प्रबल दावेदार बनकर के उभरे हैं और इन्हें टिकट मिलना चाहिए। कुछ और उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं दही चूड़ा भोज में। ये जी बताइए क्या नाम हुआ आपका। पिंटू कुमार यादव मेरा नाम हुआ। बताइए पिंटू जी, क्या दही चूड़ा के भोज में है, क्या कुछ है। यदि भारतीय जनता पार्टी जो है यादव का वोट को जो है संगठित करना चाहता है तो भागलपुर लोकसभा में डॉक्टर साहब को जो है टिकट देना होगा, और 4 लाख वोट जो है यादव का जो है इन्हीं के द्वारा जो है मिल सकता है, अन्यथा जो है
बीजेपी को नहीं मिलेगा। कहते हैं कि लालू यादव यादवों के नेता है, बिहार में तेजस्वी यादव नेता है, आप कह रहे हैं यहाँ डॉक्टर एन के यादव भारतीय जनता पार्टी के, भागलपुर के लाल है ये, और भागलपुर भागलपुर के लाल है ये, और डॉक्टर साहब जो है भागलपुर के लालू यादव है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भागलपुर के लालू माननीय MLC डॉक्टर एन के यादव है, भारतीय जनता पार्टी में है, याद रखिए। यादवों का वोट भारतीय जनता पार्टी में टर्नअप कराने की क्षमता एक ही भागलपुर में यादव है, जो डॉक्टर एन के यादव है, और दूसरे किसी यादव के भागलपुर में यादव का वोट टर्नअप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। ये बिपिन यादव जी, ये कुछ और उनके समर्थक हैं, बताइए दही चूड़ा भोज में आप भी आए हैं, पूरा तैयार होकर के, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? यदि टिकट मिलता है डॉक्टर एन के यादव को तो हम लोग ज्यादा फुल समर्थन करेंगे इनका। यादवों का नेता कहा जाता है तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, और अब भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं डॉक्टर एन के यादव को ये नेता यादवों के, कैसे होगा ये ताल? हम लोग तेजस्वी यादव से जाके मिल नहीं सकते हैं, डॉक्टर एन के यादव से आके यहाँ पे मिल सकते हैं, उनसे अपना मजबूरी बता सकते हैं। पार्टी तो भाजपा है ना, पार्टी भाजपा है, पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट हम लोग एन के यादव को ही देंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ से शाहनवाज हुसैन भी टिकट के दावेदार है, कई और लोग रेस में शामिल है, ऐसे में शाहनवाज हुसैन का क्या होगा? डॉक्टर एन के यादव का जो अपना व्यक्तिगत छवि है आम जनता में, इसके सामने सभी लोग फीका है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर एन के यादव की जो छवि है आम लोगों में, वो कभी भी किसी भी लोगों से मिल लेते हैं बहुत आसानी से। कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी और सुलभता के साथ डॉक्टर एन के यादव उपलब्ध रहते हैं आम लोगों के लिए, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। और कुल मिला के इस दही चूड़ा के भोज में जो यादवों की प्रतिक्रिया आ रही है हमारे बीच, हम कह सकते हैं यादव कह रहे हैं कि भले लालू यादव तेजस्वी यादव वहां नेता होंगे बिहार में, लेकिन भागलपुर लोकसभा में बात करें तो इन यादवों के नेता के रूप में डॉक्टर एन के यादव काफी लोकप्रिय हैं, और भाजपा से भी इन्हें परहेज नहीं है। कुछ और समर्थक है, बताइए दही चूड़ा के भोज में भगवा गमछा दिख रहे हैं। हाँ, हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ भोज खाने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLC भी है, और हम लोग आमंत्रित थे, हम लोग आए हुए। नाम बताइए अपना। राजकुमार चौधरी, मंडल अध्यक्ष सनौला। लोग कह रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव भागलपुर से डॉक्टर साहब की दावेदारी, आप लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दावेदारी है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और जहां तक टिकट की बात है तो वो तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। और शाहनवाज हुसैन जो आपके पार्टी के कद्दावर नेता घूम रहे हैं जबरदस्त तरीके से, वो भी कैंपेन चला रहे हैं, वो तो अपना अपना राजनीति है, अपना अपना लोग घूम रहे हैं, लेकिन फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। आप लोग का क्या मानना है? हम लोग सभी के, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग के सभी नेता है, इसलिए सभी का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो देखिए, कुछ और ये यादव कम्युनिटी से अलग भी जो लोग मिलकर के आए हैं, उनका भी ये साफ कहना है कि वो लोग भी डॉक्टर साहब के समर्थन में यहाँ आए हैं। जी बताइए, क्या नाम हुआ पहले आप? मेरा नाम नवल बाबा है। नवल बाबा, क्या होगा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, यहाँ दही चूड़ा का भोज शुरू हो गया? इसके तो यह तो जो है कि आज जो है कितना 10 बरस चल रहा है, 12 वर्षों में एक युग होता है, 12 वर्ष से जो है युग में जितना भी यहाँ का MP MLA जितना भी जिला पार्षद हुआ, आज तक जो है किसी ने जो है यह शुद्ध दही चूड़ा चीनी और साल में 3 बार का भोज, पैसा वाले यहाँ न MP MLA की न कमी नहीं है, लेकिन कोई आदमी आज तक जो है सेवा करते ही नहीं है। दूसरी बात है, इनके घर में 4 डॉक्टर है, आपको सर्दी खांसी जाड़ बुखार स्नोफेलिया टनसिल टाइफाइड निमोनिया हो गया, आइए तुरंत जो है पुर्जा में लिखेंगे दवाई लीजिए और आप ठीक हो जाइए। 24 के लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोग क्या? चुनाव में तो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है कि जन जन और कण कण में समा रहे हैं, और इनको टिकट मिल जाने के बाद जो इनको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। चलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भी कह रहे हैं कि टिकट अगर मिलेगा तो भारी मतों से जीत। कुछ और कार्यकर्ता है जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शीतल यादव है। शीतल यादव जी, दही चूड़ा के भोज में आप भी आए हैं, डॉक्टर साहब ने भोज लगातार कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी के भोज के मायने इसलिए अलग हो जाते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, चुनावी बिसात बिछने लगी है, और ऐसे में भागलपुर लोकसभा से उम्मीदवारों के लेकर के जो दौड़ में है उन्होंने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? 33 साल से हम राजनीति किए हैं, और सिर्फ राजनीति किए हैं, मुझे भागलपुर में पैदा हुए, मुझे पूरी पूरी तरह से जानकारी है, और मैं वर्कर भी हूं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर
डॉक्टर एन के यादव को टिकट दे देता है तो प्लस पॉइंट जब तक नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सीट मुश्किल हो जाएगा। यादव का वोट जाएगा इधर, 60% से 65% जाएगा। सेमीफाइनल ये है, नहीं फाइनल अभी बाकी है, और इनके पहले भी वनडे खेल चुके हैं हम लोग है, तो हमने इसकी प्रैक्टिकल जांच कर चुका है। और यादव को 25 वर्षों से इस बात का बड़ा ये दिल में तमन्ना है कि मेरा भी कोई आदमी बने। यहाँ किसी राजद का, कोई तेजस्वी का, कोई लालू यादव का वो प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। आप लोग खुद यादव कम्युनिटी से तरफ कहा यह जाता है कि बिहार में यादवों का नेता अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव और लालू यादव ही है। ये आप लोग बोलते हैं, था 1990 में था। आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, संपूर्ण भारत और बिहार वासियों से, कि लालू यादव और उसके बेटे ने यादवों के लिए क्या किया? अब ये बात खत्म हो गया। जनमानस की मैं बात करता हूं, और मैं वर्कर हूं इसलिए बड़े नेता से ज्यादा जानता हूं। नहीं जी, अब वो बात नहीं रहा कि यादव किसको वोट देंगे। यादव अपने अपने आप आदमियों को देंगे जो उनकी विकास करेगा। तेजस्वी यादव आ गया इसलिए वोट दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाजपा एक अच्छा पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे सुजोग व्यक्ति हैं, और 10 साल से आप तमाम व्यक्तियों ने देखा ये किस धारा में लेकर जा रहा है, इंडिया को कहाँ ले जा रहा है। नहीं जी, तो अच्छे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए ना। अच्छा, भोज के अलावा डॉक्टर साहब मिलते हैं आप लोगों से, ही जरा बता दीजिए। डॉक्टर साहब का 24 घंटों में 4 बार फाटक टूट जाता है, मिलना तो जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब से जब चाहे तब मिल सकते हैं। 12:01 में कड़ाके के ठंड में डॉक्टर साहब मिलते हैं। आप भारत का कोई भी नेता 12:01 में नहीं मिलता होगा। मैं तमाम जनता के सामने बोलता हूँ कि 12:01 में कड़ाके के ठंड में मिलना, नहीं तो लोहा का किवाड़ टूट जाएगा। देखिए, लोहा का किवाड़ तो टूट जाएगा, कुछ और समर्थक उनके चाहने वाले। बताइए, पीछे मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या आपका नाम पहले बता दीजिए जरा। हम प्रमोद कुमार चौरसिया और पप्पू चौरसिया है। भोज में यहाँ दही चूड़ा का भोज है और डॉक्टर एनके यादव का ये भोज है। अभी तक जितने लोगों से बात हुई सब लोग कह रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए लोकसभा का, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं डॉक्टर साहब को ही टिकट मिले बीजेपी से। इसमें यादव लोगों का वोट मैनेज होगा और हमारा बीजेपी का वोट यहाँ से सीट निकल जाएगा। और बड़े बड़े नेता घूम रहे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के, सब बड़े नेता जो है ना, ऑस्टोक्रेस्ट नेता है, वो लोग कुछ करते नहीं है, और ये जमीनी आदमी है और जमीनी नेता है, जमीनी डॉक्टर है, जमीनी आदमी है, जमीनी नेता है, लोगों का काम करेंगे, लोकसभा से टिकट मिलना चाहिए। आइए कुछ और लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी पहले नाम बता दीजिए अपना। प्राणेश राय नाम हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। क्या चाहते हैं प्राणेश जी? अभी तक जितने लोगों से बात हुई है दही चूड़ा के आयोजन में, सब लोग चाहते हैं कि डॉक्टर एन के यादव को टिकट मिले लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी से, और यादवों ने मन बना लिया है कि वो अपना नेता भागलपुर में डॉक्टर एन के यादव को ही मानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखकर ऐसा ही लगता है, और चूंकि जो है सो समाज में बहुत दिन से सामाजिक सेवा के कार्य में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, जिसका परिणाम है कि यादवों के दिल में भी जो है डॉक्टर साहब जो है एक विशेष स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। और जहाँ तक टिकट की बात है, अगर डॉक्टर एन के यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो हम लोग रिकॉर्ड वोट से डॉक्टर एन के यादव को यहाँ से सांसद के तौर पे देखेंगे। अब बड़े बड़े जो नेता घूम रहे हैं बीजेपी के ही, उनका क्या होगा फिर? देखिए, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन चुनाव में क्या परिणाम आया था। और देखिए, अभी डॉक्टर साहब भी जो लगातार आयोजन कर रहे हैं, MLC डॉक्टर एन के यादव वो आ गए हैं, और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले पब्लिक से आप मिल लीजिए। तो ये दर्शाता है कि जो जनता ने अभी तुरंत कहा है कि बहुत आसान तरीके से अपने लोगों के साथ मिलते हैं और 24 घंटे इनके घर का दरवाजा खुला रखता है, कुछ बातें सच साबित होती लग रही है। सीधे डॉक्टर साहब, क्या है भोज के मायने? ये मिलन समारोह है, तिला संक्रांत के अवसर पर सारे लोग, सभा के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और हम लोग राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बातें भी यहाँ करते हैं। इस बार के भोज में कुछ दिख रहा है, गंगा के उस पार में भी बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर आपके टंगे हुए हैं, और मुस्कुराता हुआ चेहरा वहाँ भी है और यहाँ भी मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टर एन के यादव का।
2024 का चुनाव नजदीक है डॉक्टर साहब, और यादवों का नेता कहा जाता है कि तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, लेकिन आप यहां पर एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के आप क्या चाह रहे हैं? मैंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी दी है, और अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है तो जो पार्टी का वोट है उसके अलावे भी बहुत वोट है जो मेरे साथ जुड़ सकता है, खास करके यादवों का वोट, यादव समुदाय का जो वोट है वो मेरे नाम पर आज के तारीख में 100% है। दूसरी बात एक है कि मैं 30 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो प्रैक्टिस कोई व्यापार के रूप में नहीं कर रहा हूँ। जो भी गरीब आदमी आता है उसका ख्याल करते हैं, पैसा हो ना हो उसका इलाज जरूर होगा, इस तरह का विचार लोगों के बीच में मैंने रखा है, और लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अगर हमें टिकट मिला तो भाजपा के जो बेसिक वोटर है उसके अलावे यादव का वोट और अपना पॉपुलरिटी वोट, जो लोगों का मैंने सेवा दिया है उसका वोट हमको मिलेगा, और पार्टी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। विचार तो पार्टी को करना है। कई बड़े नेता भी घूम रहे हैं इस बार टिकट के, जिनको लग रहा है कि वो भी टिकट के दौड़ में शामिल हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में जिनको यहाँ आने तक भी नहीं दिया गया था पार्टी की तरफ से, वो लोग भी अब अपनी गतिविधि तेज कर दिए हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसे में कैसे लगता है, कैसे आप उनका सामना करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी को विचार करना है। इसमें उम्मीदवार बहुत हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, बड़ी पार्टी है और अपना बड़ा देश है, इसलिए उम्मीदवार की कमी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अधिक से अधिक होगा तभी पार्टी को चयन करने में सुविधा होगी। आप क्या डॉक्टर एनके यादव क्या कहना चाहते हैं पार्टी से, पार्टी के वर्कर से, शीर्ष नेतृत्व से, और दही चूड़ा के इस भोज में आम भागलपुर लोकसभा की जनता से? आप के माध्यम से मैं यहाँ की जनता को यह कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप हमें प्रेम दिखाते हैं, जिस तरह से हमसे आप जुड़े हुए हैं, इसका परिणाम अगर पार्टी टिकट देती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और पार्टी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी सोचे इस पर गंभीरता से कि मैंने 14 का जब चुनाव हुआ तो यहाँ हमारी पार्टी आरजेडी से हार गई, इसका मतलब हमारा वोट जो है आरजेडी से भी कुछ कम है, और कहें तो जेडीयू का वोट जुटने से और भी कम हो जाएगा। तो जब कोई एक उम्मीदवार दूसरे दल का वोट या दूसरे समाज का वोट, जो भाजपा का वोट नहीं है, ले तभी हमारा यहाँ से सीट निकलेगा, यही पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जैसे उम्मीदवार पर वो विचार करे, पार्टी को ये सीट अवश्य मिलेगी। डॉक्टर साहब, अभी एक गठबंधन की जो बात हो रही है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए में कयास जो लगाए जा रहे हैं, और राजनीतिक ने जिस तरह से करवट बदलना शुरू किया है, नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहे हैं कि आ सकते हैं, और हम पहले भी कहा है कि जो सारे समीकरण बनते दिख रहे हैं जदयू बीजेपी के साथ आ सकती है, तो ऐसे में ये सीट तो सिटिंग एमपी है जदयू के, उनकी तरफ भी जा सकता है। जो बात आपने इशारा किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े लीडर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी, ये स्वयं चुनाव लड़ी, और आप पत्रकार हैं, बहुत अंदर की बात मैं इतना नहीं जानता, मैं सीधा साधा डॉक्टर हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ। तो टिकट के लिए आपने दावेदारी दे दी ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल दावेदारी दिया है, पार्टी के नज़र में भी है, बड़े नेताओं के नज़र में भी है, और मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर विचार भी करेगा, और अंततः पार्टी जो है सबको साधना चाहती है। आज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब सभी जातों को, सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलना चाहती है, वैसा नहीं है किसी खास वर्ग की पार्टी रह गई। आज देख रहे हैं तीनों चुनाव में पिछड़ों को भी जगह मिला, ब्राह्मणों को भी जगह मिला, और आदिवासी को भी जगह मिला, इसलिए पार्टी सबको साधना चाहती है, जिसका जहां बहुमत होगा उसको वहां हिस्सेदारी मिले। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद डॉक्टर। जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, आइए देखिए, कुछ और समर्थक हैं, उनको लगातार बोलना चाहते हैं, बताइए। डॉक्टर एनके यादव ऐसे जो है डॉक्टर के रूप में जो है समाज के लिए जो है मतलब भगवान तुल्य है, और इनका सेवा जो है ना वो 30-32 साल से लोग जो है मतलब देख रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यदि बीजेपी यादवों को बीजेपी में लाना चाहते हैं तो डॉक्टर एनके यादव को टिकट मिले। नाम ना बता दीजिए अपना पहले। मेरा नाम उमाकांत यादव है,
और मैं जो है बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि यादव समुदाय जो है वन साइड होकर के डॉक्टर साहब के नाम पर वोट देंगे। राजा तेजस्वी यादव और लालू यादव का क्या उससे फर्क नहीं है, चूंकि डॉक्टर साहब का सेवा जो है अमूल्य है और इनको जो है मतलब जो है लोग जानते हैं पहचानते हैं और ये जो है बिल्कुल भद्र पुरुष है और इनके जैसा पार्टी में कोई जो है विद्वान नहीं होगा। डॉक्टर एन के यादव विद्वान है, इनको टिकट मिलनी चाहिए। डॉक्टर एन के यादव विद्वान है, इनको टिकट मिलना चाहिए, कुछ और कार्यकर्ता है जी बताइए। आप लोग भी आए हैं इस भोज में, नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम श्रीनिवास सिंह है। ये मान के जाता हूँ अवश्य जो है सो बिहार में लोकसभा का 40 मेंबर जीत के आएगा, उसमें एक डॉक्टर एन के यादव जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवारी अपना डालना चाहते हैं, ये कौशल आदमी है और इनका जो है सो हम मुखस्तिम नहीं कहते, हमारे पास लिखित कार्यक्रम रहता है, ये बराबर हमारे कार्यक्रम में आते जाते हैं, चाहे मंदिर उद्घाटन हो। डॉक्टर साहब बहुत ही सर्व सुलभ है ये कहा है और हमने स्पष्ट रूप से दही चूड़ा के इस भोज में जब आम लोगों से बात की, उनके बात करने के बाद और डॉक्टर एन के यादव से जब बात की, तो सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं आप दर्शकों को, टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से पहली बार ये जानकारी दे रहे हैं कि डॉक्टर एन के यादव ने खुल कर कह दिया है कि भागलपुर लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी इन्होंने दे दी है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि अगर वो पार्टी उन पर भरोसा जताती है, टिकट देती है, तो निश्चित रूप से ये सीट निकाल के देंगे और यादवों का अपार जन समर्थन डॉक्टर एन के यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा। और तमाम जो यादव कम्युनिटी के लोग यहां पर आए इस भोज में, बहुतायत जिनसे हमने बात की वो यादव कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर यहां डॉक्टर एन के यादव को टिकट मिलता है तो उन यादवों का 100% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और इनकी आबादी 4 लाख के आसपास है भागलपुर लोकसभा में, तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब फैसला केंद्र नेतृत्व को करना है क्योंकि कई बड़े नेता भी भागलपुर से लोकसभा टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और शहर में उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। अब देखना है कि उनके चेहरे पर भी पसीना आना लाजमी है क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा भोज का आयोजन करके और यादवों का जुटान करके ये दर्शा दिया है कि एक बड़े और मजबूत नेता के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं और अब पार्टी को फैसला करना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किन्हें इस बार वो टिकट देते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।